चौधरी पोल्ट्री फार्म की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, आप जाकर जी मेरे चैनल का विजिट कर लें और जाकर 1 किलो के अंदर कितने बच्चे, तीन या चार बच्चे चढ़ गए, तीन से चार बच्चे चढ़ गए। और क्या रेट मिले? 800 जी। ये बच्चे कुछ ये बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और काफ़ी बच्चे इस टाइम इस साइड पर बैठे हुए हैं गर्मी की वजह से जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी उमर और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तमाम भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें ताकि जी आने वाली वीडियो आपके पास बआसानी पहुंचती रहे। और जी आपको चौधरी पोल्ट्री फार्म की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखी, आप जाकर जी मेरे चैनल का विजिट कर लें और जाकर मेरी वो वीडियो देख लें। आज जी आपको इस वीडियो में हम बेहतरीन पोल्ट्री फार्म, होम पोल्ट्री फार्म यानी कि घर में पोल्ट्री फार्म 250, 60, 70, 80 या 500 मुर्गियाँ रखने का जो भी एक्सपर्ट तजर्बा है जी, खुराक है उनकी, उनको पालना, उनको बांधना, उनकी रिहाइश का जो बंदोबस्त है जी, आपके साथ इस वीडियो में हम शेयर करने लगे हैं। सबसे पहले नए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जी वो हमारा चौधरी पोल्ट्री फार्म हैं था जो कि हमने इंटों के साथ बहुत मजबूती और सीमेंट के साथ मजदूरी और मजदूर को दिहाड़ी भरकर हमने जी वो हमने बनवाया था, ठीक है जी। और उसकी वीडियो हम उसको बनवा रहे थे, उसको तैयार करवा रहे थे जी, और यानी कि उसकी वर्किंग जारी थी। उस टाइम हमने उसकी वीडियो आपके साथ शेयर की थी। इस टाइम जी हमने उसको मुकम्मल कर लिया, उसकी छत भी डाल ली है। छत डालने के बाद जी हमने उसके अंदर पोल्ट्री फार्म जो बच्चे हैं जी, मिस्री बच्चे हैं वो भी और देसी बच्चे भी हमने लेकर उसके अंदर छोड़ दिए। अब आपको हम बताते हैं इनकी खुराक क्या है, कितने बच्चे लिए हैं, क्या रेट लिए हैं, कितने के पड़ गए हैं, टोटल खर्चा कितना आया है, और उसके बाद क्या इनको खुराक डालनी है, किस टाइम डालनी है, कब पानी डालना है, और कितने वज़न का आपने मिस्री बच्चा लेकर पालना है, और कितने दिनों के अंदर ये तैयार हो जाएगा। और हम बात करते हैं शान भाई से, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा, आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट होंगे, क्योंकि पिछले साल भी इन्होंने जी 200 मुर्गी रखी थी और 200 मुर्गी से कम 2 लाख तक नफ़ा कमाया था। अस्सलाम वालेकुम शान भाई, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है, खुश हैं, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। आपका ये माशाल्लाह से हैंड फॉर्म कम्प्लीट हो गया है। इस पर हैंड फॉर्म पर इस टाइम तक इसकी बिल्डिंग पर और बच्चों पर, मिस्त्री जो बच्चे आपने लिए हैं, कितना खर्चा? बिल्डिंग पर इस टाइम आपने कितना खर्चा कर दिए? 10,000। अच्छा, बिल्डिंग पर आपने 10,000 रुपये खर्चा कर दिए, जिनके मजबूत बनाइए, ठीक है जी। सबसे पहले जी हम बिल्डिंग दिखाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में शान भाई से डिस्कस करते हैं। इस टाइम जी ये हैंड फॉर्म है जी, वो तैयार हो गए, और आप ये देख लें, इस टाइम ये जाली लगाई है ताकि जी हवा की क्रॉसिंग है ना जी, दूसरी जाली से यानी कि क्रॉस होती रहे, और इसके साथ ये दूसरी जाली भी लगा दी है, अपना क्या नाम, दूसरा दरवाज़ा भी लगा दिया जाली के साथ, ठीक है जी। और इसकी लिपाई भी ऊपर से कर दी है, बनेरा भी बांध दिया, और ये आप देख लें सीमेंट के साथ मुकम्मल इसकी यानी कि डेकोरेशन की हुई है। और इधर से जी ये बच्चे कुछ ये बैठे हुए हैं, ठीक है जी, और काफ़ी बच्चे इस टाइम इस साइड पर बैठे हुए हैं गर्मी की वजह से जी, ये छुपे हुए हैं, अभी इनको बाहर निकालते हैं, दाना वगैरह डालते हैं, फिर आपको सारी इसकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, ठीक है जी। इस टाइम आप इधर से भी देख लें, बिल्कुल मजबूत काम कर दिया शान भाई ने। अब शान भाई से पूछते हैं, शान भाई कितने किलो बच्चे लिए हैं आपने, और कितने यानी कि ये बच्चे इसके अंदर आ गए? 15 किलो बच्चे लिए थे, और कम से कम 40 बच्चा था इसके। 40 बच्चा 15 किलो में चढ़ा है, यानी कि 1 किलो के अंदर कितने बच्चे? तीन या चार बच्चे चढ़ गए। तीन से चार बच्चे चढ़ गए। शान भाई इसका क्या रेट मिला आपको? 800 रुपए किलो मिले हैं, बिल्कुल रियायत और रियायत मिले हैं। क्या रेट उन्होंने बताया था और क्या रेट दिए? 1100 बताया और एंड फिर उसने 800 की थी। ये जब आपने बच्चे लिए कितने दिन हो गए आपको? ये कम से कम 20 दिन हो गए। 20 दिन हो गए। क्या खुराक क्या डाल रहे हैं इसको? मॉर्निंग टाइम यानी कि सुबह नाश्ते में क्या डालते हो, दोपहर को और शाम को क्या रूटीन है खुराक डालने की? जी शान भाई आप बताएंगे इनकी खुराक के बारे में। ये इनको पहले तंदूर की रोटी डालते हैं सुबह सुबह, शाम को भिगो के रख देते हैं, और सुबह के टाइम इसको फिर डालते हैं वही, तो शाम को दोपहर के टाइम फिर हम आटा गूंथ के इनको डालते हैं, तो फिर शाम के वक्त इनको डालते हैं, फिर गंदम वगैरह तो दाने शाने, फिर कोई बीमार हो तो फिर दवाई शवाई या कोई अच्छी सी दवाई देते हैं इनको, सिरप वगैरह। और गाइस शान भाई बयान कर रहे थे, मैं दोबारा आपको डिटेल से बताता जाऊं, वो कहते हैं कि जी रात को तंदूर की रोटियां भिगो कर रख देते हैं, और सुबह को मॉर्निंग टाइम में बच्चों को वो डालते हैं, ठीक है जी, और दोपहर को उन्हें गंदम यानी कि गंदम डाल देते हैं, या उसका गंदम का चूरा दलिया करके वो डाल देते हैं, या फिर दोपहर को अगर वो नहीं गंदम नहीं डाल देना, फिर उनको आटा गूंद के वो डाल देते हैं, वो ठंडा होता है, उससे बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। अगर बीमार हो जाते हैं जी उनको गोलियां भी देते हैं, ड्राफ्ट भी देते हैं, उनकी वैक्सीनेशन मुकम्मल करते हैं। ठीक, इस टाइम जी आपने जो बच्चे हैं जी वो इस टाइम कितने रुपये के आपने खरीद लिए, कितने हज़ार के खरीद लिए? ये मैंने 15,000 रुपये खरीदे। 15,000 के, 15,000 में यानी कि 40 बच्चे हैं। चले जी आप अब खोलें इन्हें, ठीक है जी, इन्हें बाहर बुलाएं और फिर इनको दिखाते हैं जी कौन कौन से बच्चे हैं, किस तरह के बच्चे हैं। चलें शान भाई आप बाहर निकालें इन्हें, ठीक है जी, और आप हमें दिखाएं जी कौन कौन से कलर के बच्चे लिए और किस तरह कलर हैं जी इनके, और कितना कितना इनका वेट है। और सबसे पहले जी एक
बात बताते चाहें अपना क्या अनुना, आपने जो बच्चे लेने हैं जी मिस्री बच्चे पालने के लिए फार्म से, आपने डेढ़ मंथ तक के बच्चे लेने हैं, डेढ़ मंथ से ज़्यादा आपने बड़ा बच्चा नहीं लेना, एक मंथ का हो या डेढ़ मंथ का हो, फिर वो इजीली से ही यानी कि वो हो जाते हैं, निकालें बाहर निकालें, 1 2 3 4 5 ये देखें जी, ये बच्चे लिए हुए शान भाई ने निकाल। आ जाए बाहर आ जाए बाहर आ जाए। और गाइस इस टाइम जी ने यहाँ पे खुराक डाली हुई है, ये देखें बाहर खोला भी ने और ये इस जगह पे आके खुराक खा रहे हैं, ठीक है जी। ये बच्चे आप देख लें, इतने वेट का आपने बच्चा लेना है, इससे बड़ा आपने बच्चा नहीं लेना, ठीक है जी, इससे बड़ा आपने बच्चा नहीं लेना, इसी वेट में लेने हैं। कुछ ये रहे और कुछ जी आपको दिखा के आते हैं, ये देखें ये फिर रहे हैं सारे पूरे पूरे फार्म में घूमते फिर रहे हैं, ठीक है जी। ये देख ली आपने, और जो ये वाली हैन है ना जी, ये वाली हैन इसके अंदर बम फूटा हुआ है, इसके बाल शाल सारे बिखरे पड़े हैं, ये देख रहे हैं, ये देखें, ये भी देख लें, ठीक है जी, ये देख। आपके साथ हमने चौधरी पोल्ट्री फार्म की वीडियो भी शेयर कर दी है, वैक्सीनेटर के बारे में बता दिया, कौन कौन सी वैक्सीनेशन देनी है आपने, किस तरह बीमार हो तो कौन सी वैक्सीनेशन देनी है, वो भी आपको हम डिस्क्रिप्शन ऐड में उनकी मेडिसिन लिख देंगे, ठीक है जी। और कितने ग्राम का और कितने वजन का आपने बच्चा लेना है और किस कीमत में लेना है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन ऐड में दे देंगे तमाम की तमाम इसकी यानी कि इन्फॉर्मेशन। और ये आपने सारे का सारा होम देख लिया है, और शाम भाई से भी आपकी मुलाकात करवा दी है। शाम भाई आप खुश हैं, आपकी वीडियो बन गई है जी यूट्यूब पर, क्योंकि इनकी दिली ख्वाहिश थी कि मेरी चौधरी पोल्ट्री फार्म की जो फर्स्ट मुर्गी है ना वो भी। अब आपका क्या यानी कि इरादा है, और बच्चे डालने या नहीं डालने? और इंशाल्लाह डालेंगे फिर। कितने बच्चे डालने का आपका इस टाइम टारगेट है, और कितने बच्चे आपने डालने हैं टोटल? मैंने अब 35 बच्चे हैं, मैंने 50 बच्चा पूरा मुकम्मल करना है, 50 बच्चे मुकम्मल करने हैं, ठीक है जी। और गाइज इसी तरह की बिजनेस टिप हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ये हमारी व्लॉगिंग है, आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है भाई, ताकि आने वाली वीडियो आपके पास आसानी पहुँचती रहे। दुआ में याद रखिएगा, नमाज 5 टाइम पढ़ेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।